हेलो एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड एग्जाम। इस वीडियो में बात करेंगे री मेडिकल में आपको क्या सच में 24 घंटे मिलेंगे या फिर ज्यादा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि इस पे लोगों मैं देख रहा हूँ मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। करीब करीब मैं बता नहीं सकता कितने बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि क्या 24 घंटे में री मेडिकल को ठीक किया जा सकता है। सच ही बात है कि 24 घंटे में क्या ही ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है और मुझे लगता है कि उन्होंने नोटिस को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। एक बच्चा नोटिस का जो वो है ना फाइल, वो भी शेयर किया है कि नोटिस में देख लो लिखा क्या है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि री मेडिकल में क्या सच में 24 घंटे मिलेंगे या नहीं, या फिर आपको 30 से 35 या जो भी टाइम प्रोसेस होता है वो मिलेगा या फिर 24 घंटे मिलेंगे, इसके बारे में बताऊं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे है, डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि देखो, मेडिकल की बात आ गई तो वहाँ पे बच्चों के कन्फ्यूजन मैंने दूर भी कर दिया, हालांकि मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि जो बच्चे नहीं जान पा रहे उनको ये बात क्लियर हो जाए। मुझे पहले आप ये एक बात बताओ, क्या आपको री मेडिकल अगर 24 घंटे के लिए देते हैं, मतलब 24 घंटे में आपको री मेडिकल करवाने के लिए देते हैं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा मेडिकल में? क्योंकि अगर आपके में कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवाना हो या फिर नौकरी का प्रॉब्लम हो या फिर कोई सा भी प्रॉब्लम हो, क्या 24 घंटे में उसको ठीक कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। तो फिर कैसे ये हो सकता है कि 24 घंटे में आपको री मेडिकल करवा दें? तो आप पूरी नोटिस में ये, मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में नोटिस में था क्या। नोटिस में ये लिखा हुआ था कि जब सपोज दैट आप अभी मैं गया मेडिकल करवाने, मैं मेडिकल पे पहुंचा, सपोज मुझे कोई पॉइंट मिल गया, पॉइंट में शायद मुझे री मेडिकल भी दे दे या फिर रिजेक्शन भी दे दे, तो उसने साफ साफ ये बोला है कि अगर आपको री मेडिकल के लिए अपील करना है, आपको रिव्यू करना है हमारे मेडिकल को, जो भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह मेडिकल किए हैं, आपने पॉइंट वगैरह निकाले हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है, तो आप इसको रिव्यू करा सकते हैं, मतलब री मेडिकल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर री मेडिकल के लिए अपील करना है। उनके ये कहने का मतलब कि 24 घंटे के अंदर आपको री मेडिकल के लिए अपील कर देना है, अगर आप 24 घंटे के बाद आओगे तो फिर आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वो मान्य नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब है 24 घंटे के अंदर आइए, आप दोबारा से अपील करिए। आप ध्यान से नोटिस पढ़ना, वहाँ पे अपील वर्ड लिखा हुआ है अपीलिंग 24 आवर्स, अगर उसके बाद आओगे तो फिर अपील वो मान्य नहीं होगा। बाकी मेडिकल के लिए आपको री मेडिकल में पूरा समय मिलेगा, जैसी परेशानी होगी, जैसी बीमारी होगी, उसके हिसाब से आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, वो लोग भी पागल नहीं है। 24 घंटे में री मेडिकल क्या उसका मतलब है, इससे अच्छा ना ही री मेडिकल दे, डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दे। तो अफवाहों में मत फैलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई डाउट है तो वहाँ पे आके पूछो, लिंक वीडियो के नीचे है, डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेडिकल आपका एक्सपेक्टेड है कि जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बने रहना अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो आके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।